कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सब लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। काफ़ी सारे लोग मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पर इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं, उनसे विनंती है कि वे अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। परम पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है, महाराज श्री आसनस्थ हो चुके हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर आप सभी लोग मेरे पीछे हरे कृष्ण महामंत्र कह के महाराज जी का सहर्ष स्वागत करेंगे। दो हाथ उठाकर जितने भी लोगों को भगवत कृपा से हाथ प्राप्त है और वो कार्यान्वित हैं, तो वे सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हाथ उठाने का अर्थ होता है भगवान के प्रति समर्पण, है कि नहीं? जैसे कोई संकट में पड़ जाता है तो तुरंत दोनों हाथ खड़े कर देता है, हैंड्स अप,
उसी प्रकार से ये पद्धति है दोनों हाथ उठाने की। तो दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से मेरे पीछे कहेंगे हरे कृष्णा। आपका आवाज मेरे से आधा या उससे भी थोड़ा कम ही आ रहा है, मैं चाहता हूं आपका आवाज मेरे से दुगना हो जाए। थोड़ा जोर से बोलिए हरे कृष्णा। और भी थोड़ा बड़ा आ सकता है, मुझे विश्वास है। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। अब महाराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, सहर्ष स्वागत करते हैं, महाराज जी यहाँ पर विद्यमान हैं। साथ ही साथ में आप सभी श्रोतागणों का, भाविक भक्तों का, श्रद्धालुओं का भी यहाँ से, यहाँ पर मंच से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन पुणे की एक विस्तारित शाखा अभी हड़पसर में कार्यान्वित है। यहाँ पर कन्यादान मंगल कार्यालय में खूब जोरों शोरों से हरि नाम का, गीता भागवत का धुआंधार प्रचार प्रसार आरंभ हो चुका है। और इसी विस्तारित केंद्र हड़पसर के केंद्र के द्वारा आयोजित यह सप्त दिवसीय हरे कृष्ण उत्सव, यहाँ कहें हरे कृष्ण महामहोत्सव के अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी सप्त दिवसीय विशेष कथा महोत्सव में आप सभी श्रोतागणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जैसे मैं कह रहा था कि बहुत ही विशेष दिवस है, आज दत्तात्रेय भगवान का आविर्भाव दिवस भी है। बोलिए दत्त भगवान की। तो भगवान के विविध अवतारों का भागवत में वर्णन आता है, खास करके 24 अवतार भगवान के गिनाए गए हैं भागवत में। उसमें भी 10 मुख्य अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह इत्यादि। और इन 24 अवतारों का जहां पर वर्णन किया गया है उसमें छठवें नंबर पर दत्तात्रेय भगवान का नाम आता है। भागवत के प्रथम स्कंद में ही जहां पर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन हुआ है वहां पर बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है जहां पर बताया गया है कि षष्ठम अत्रेर पत्यत्वम वृत्त प्राप्तो नसूयया अन्विक्षिकिम अलर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। इस श्लोक में बताया गया है, गणना की गई, केवल 24 अवतारों का एक एक श्लोकों में ही वर्णन किया गया है। तो दत्त भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। अत्रि मुनि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उनकी पत्नी अनुसूया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय का आज ही के दिन इस पूर्णिमा के अवसर पर आविर्भाव हुआ है। और अन्विक्षिकिम अलर्काय, अन्विक्षिकिम कहते हैं आध्यात्मिक, विशेष आध्यात्मिक विद्या को बहुत सारे भक्तगणों को, श्रद्धालुओं को, राजा महाराजाओं को इस दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ही भगवान ने ये अवधूत अवतार लिया है। भगवान के दो ऐसे अवतार हैं जिन्होंने इस जड़चर्या का वर्णन किया है या उसका आचरण भी किया है, जिनमें से एक ऋषभदेव भगवान है तो दूसरे दत्तात्रेय भगवान है। इनका नाम दत्त भगवान, चूंकि ये अत्रि मुनि के पुत्र हैं इसलिए पैतृक नाम पड़ता है आत्रेय, तो ऐसे दोनों मिलाकर इनका नाम हो जाता है दत्तात्रेय। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। और भागवत में जहाँ पर 11वें स्कंद में दिव्य ज्ञान का उल्लेख आता है, भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी का विशेष संवाद होता है, तो वहाँ पर ये अवधूत उपाख्यान नामक एक विशेष उपाख्यान आता है जहाँ पर दत्तात्रेय भगवान स्वतः उनका वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन काल में विशेष 24 गुरु बनाए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बार गुरु बना लिया तो हो गया, एक ही गुरु होते हैं, कितने गुरु हो सकते हैं।
लेकिन शास्त्र में अलग अलग गुरुओं का, वैसे दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, इसके अलावा भी जैसे चैत्य गुरु के रूप में भगवान मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, मार्गदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। तो जिन जिन लोगों से जीवन उपयोगी कोई भी या किसी भी प्रकार की, वो चाहे उपादेय शिक्षा हो ग्रहण करने लायक, या फिर हेय शिक्षा हो त्यागने लायक, जिससे भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको आप अपना मार्गदर्शक या फिर शिक्षा गुरु कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन काल में 24 गुरु बनाए, और इन 24 गुरुओं से उन्होंने कुछ सीखने लायक बातें सीखी, कुछ त्यागने लायक बातें सीखी, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से इन गुरुओं के मार्गदर्शन में मैंने यह जड़चर्या का अवलंबन करते हुए इस दिव्य पद को मैंने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से भागवत में दत्तात्रेय भगवान का विशेष वर्णन आता है, 24 गुरुओं की कथा आती है, जहाँ पर उन्होंने कबूतर को भी अपना गुरु माना है, पशु पक्षियों को, एक स्थान पर तो उन्होंने एक वेश्या को भी, विदेह नगर की एक वेश्या थी पिंगला नाम की, उसको भी उन्होंने अपना गुरु माना है, और उस वेश्या से भी उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वो वेश्या से उन्होंने सीखा कि किसी भी चीज़ में जो आसक्ति होती है ये दुख का मूल होता है, और जैसे ही वैराग्य आ जाता है, विरक्ति आ जाती है, व्यक्ति सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग हाथी से, हिरण से, मधुमक्खी के मद को एकत्रित करने वाले व्यक्ति से, बाण से, पशु पक्षियों से, यहाँ तक कि एक कुंवारी कन्या के कंगन से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। हाथ में 4-5 कंगन होते हैं तो बजते हैं, लेकिन जैसे ही एक कंगन, वो लड़की एक एक कंगन निकालती है, अंत में एक कंगन रह जाता है, फिर वो बजना बंद हो जाता है। मराठी में कहावत है, एकता जीव, क्या कहते हैं आगे, सदाशिव। उस प्रकार से उन्होंने सोचा कि ये भीड़ भाड़ में रहने में कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, अकेला जीव ही आनंदमय जीवन व्यापन कर सकता है। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं को अपने जीवन में स्वीकार किया और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे भगवान के विशिष्ट अवतार दत्तात्रेय भगवान का आज आविर्भाव है। आज और भी एक विशेष तिथि है, ये पूर्णिमा को एक विशेष घटना हुई है, जिसका उल्लेख महाराज श्री अपनी कथा में करने वाले हैं। आप लोगों की सूचना के लिए बता दूं कि आज महाराज श्री, कल हमने देखा गीता भागवत कृति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, गीता और भागवत का साम्यत्व दिखाते हुए महाराज जी ने तुलनात्मक दृष्टि से परिचय प्रदान किया कि गीता क्या है और ग्रंथराज श्रीमद् भागवत क्या है। आज के दिन भागवत के दशम स्कंद अंतर्गत पूर्वार्ध का वर्णन होने वाला है, भगवान की जन्म लीला, बाल लीला, पौगंड लीला, तरुणावस्था में की गई बहुत सारी लीलाएं, साथ ही साथ कंस इत्यादि राक्षसों का वध, जरासंध का भी वध आज हो सकता है महाराज जी की कृपा से, और हम धीरे धीरे द्वारका की ओर आज प्रस्थान करेंगे, द्वारका में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छा, अच्छी संख्या में आप लोग उपस्थित हो, आप अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे पीछे घूम रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्रता से उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप आगे आगे आ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, पीछे ही बहुत सारे लोग बैठते हैं तो आने वाले लोगों को जगह नहीं मिलती है, तो यदि आप पहले आते हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप जितने पास में रहेंगे महाराज श्री की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहेगी, और महाराज जी की कृपा के साथ महाराज जी का दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो विनंती है कि आगे आगे आकर बैठे, बीच में ऐसी चेयर्स खाली मत छोड़ें। तो अधिक विलंब न करते हुए आज के इस सत्र को, बहुत सारे मान्यवर जैसे मैंने आरंभ में कहा आने वाले हैं, तो अभी मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन आरंभ होगा, आरंभिक कीर्तन होगा, और फिर जैसे ही मान्यवर आएंगे दीप प्रज्वलन होगा और इस द्वितीय सत्र का हम लोग आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आपने सुमधुर वाणी वे हमें वे कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे Thank you.
हरे 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 और हरे 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 इज दिस साउंड चेक इज दिस हरे हरे और हरी 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 जा सुखा गोकुली जा सुखा क्या वृंदावन धाम की क्या हुआ आपने जय कहा कि नहीं गोकुल धाम के कृष्ण का जन्म तो मथुरा में होता है कृष्ण जन्म स्थान मथुरा धाम के और वहां से कृष्ण रातों रात गोकुल पहुंचते हैं अरे अरे और वहां पहुंचते ही नेक्स्ट मॉर्निंग प्रातःकाल में श्री कृष्ण जयंती महोत्सव संपन्न होता है नवमी को जन्म तो श्री कृष्ण अष्टमी के मध्य रात्रि का जन्म किंतु उत्सव नवमी के दिन और वह भी गोकुल में संपन्न होता है तो वृंदावन गोकुल की लीलाओं का भी संक्षिप्त हम संस्मरण करने वाले हैं इसलिए भी ये गीत गोकुल इचा सुखा और तकारा महाराज के ये गीत का अभंग तुकारा महाराजांचाच आहे तो उनकी प्रसन्नता के लिए भी उन्हीं का अभंग उन्हीं को समर्पित करते हैं आप भी गाइए कैसे कैसे उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव संपन्न हुआ आहे मराठी मध्ये मराठी येतं का तुम्हाला बऱ्याच जणांना येत ओके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो इट हैज बीन डिस्प्लेड ओके वहां भी देखिए पढ़िए और भी हम लोग यहाँ थोड़ा ये कथा ऑडियो एंड विजुअल चल रही है हम जो कहते हैं वो ऑडियो कहिए और इसको हम दर्शाते भी हैं इस स्क्रीन कल तो दो ही थे आज तो चार हो गए तो हुआ आपके सुविधा के लिए तो यदि आपके सामने ही है तो सीधे देखिए प्रत्यक्ष देखिए नहीं तो तिरछी नज़र से थोड़ा
देखते रहिए, तो श्रवणम और फिर दर्शनम भी, ऑडियो एंड विजुअल, आपकी अधिक इंद्रिया। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, हमारी इंद्रियों का या वैसे सभी इंद्रियों का भगवान की सेवा में, जो इन इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, तो जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा में लगाना है हमारी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, कर्ण इंद्रिय और नेत्रों को, दर्शन के लिए जो इंद्रिय, जिस इंद्रिय को हम उपयोग करते हैं। ओके, गोकुल चा सुख अंत पार नाही लेखा, अंत पार पार नाही लेखा, अंत पार नाही लेखा, गोकुली च सुखा, गोकुली च सुखा, गोकुली च सुखा, गोकुल के सभी जन, गोकुलवासी, आनंद लूट रहे हैं और उस आनंद की कोई सीमा ही नहीं, अंत पार नाही लेखा, तो काम हणे आपको भी कुछ हर्ष हो रहा है कृष्ण जन्म के दिन या उस दिन के संबंध के जो गीत हम गा रहे हैं, जिसकी रचना तुकाराम महाराज के उन्होंने की हुई है। बाल कृष्ण नंदा घरी, बाल कृष्ण नंदा घरी, बाल कृष्ण नंद घरे, बाल कृष्ण नंद घरे, आनंद लिया नार नारी, आनंद लिया नार नारी, आनंद लिया नार नारी, आनंद लिया गोकुली च सुखा, गोकुली च सुखा, गोकुली च सुखा, गोकुली च सुखा, गुढ़िया कोरणे, गोकुलवासियांनी गुढ्या उभ्या केल्या, तोरणी बांधली, करती कथा गाती गाणे, आणि सर्वजण कृष्ण कथा करू लागले, गीत गाऊ लागले, गुढिया तोरणे, गुढिया तोरणे, करती कथा गाती गाने, करती कथा गाती गाने, करती कथा गा
गाति गाने करती कथा गाति गाने कथा गाती गाने करती कथा गाती गाने गोकुली जासुका गोकुली जासुका गोकुली जासुका कन्हैया लाल की जय प्रेम से जगाना होता है
यशोदा ही जानती है वैसे कैसे जगाना होता है। यशोदा का वात्सल्य प्रेम ही कन्हैया लाल को जगाता है, जगा सकता है। हम भी वैसा ही अभ्यास कर सकते हैं ताकि हमें भी कन्हैया के लिए प्रेम, हमारा प्रेम भी जगे। उठे उठे गोपाला, उठे उठे गोपाला, अरुणोदय झला, अरुणोदय कह सकता है। मुझे तुम कहे तो रही उठो उठो, क्यों उठना चाहिए मुझे, क्यों जगा रही हो। यशोदा कहती है अरुणोदय झाला, हे लाला अरुणोदय, अरुणोदय सूर्योदय हो चुका है लाला, इसीलिए अरुणोदय झाला, अरुणोदय लाला, अरुणोदय झाला, उठे उठे गोपाल, 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 उठे उठे गोपाल। कन्हैया लाल की Krishna 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 Hare
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा मण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जयतां सुरतोर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गतिः मदसर्वस्वपादाम्भोजौ राधा मदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पदुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्द देवो प्रशालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुर्स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सुन्दरते ध्यान उभे विटे वरी करकटा वरी ठे मुनिया तुलसी हर गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहीन श्रीमुख आवडीने आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महा प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तथाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रज वधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम कुमार्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी भाविक भक्तों का, श्रद्धालुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी विशाल संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। भागवत कथा के प्रति आपका ये अनुराग ही है, प्रेम ही है, जो आपको यहां पर खींच के लाता है। साथ ही साथ अभी हम लोगों के मध्य कुछ विशेष अतिथि उपस्थित हैं। महाराष्ट्र के मुखारविंद से सुमधुर कीर्तन का, सुश्राव्य कीर्तन का हमने यहाँ पर श्रवण किया। अभी मैं मुख्य कुछ हमारे अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे यहाँ पर मंच पर आएंगे। मान्यवरों के कर कमलों से दीप प्रज्वलन होगा और इस सप्तदिवसीय भागवत कथा का द्वितीय दिवस, द्वितीय सत्र का हम लोग यहाँ पर आरम्भ करेंगे। आज हम लोगों के मध्य विशेष विशेष रूप से मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं हमारे पीडी पाटिल साहब जी यहां पर आए हैं। उनका नाम ही है प्रसाद, प्रसाद। और आज जैसे मैं कह रहा था, आज दत्त जयंती है, दत्तात्रेय भगवान का आविर्भाव दिवस है, तो वे पिताजी, उनके पिताजी का नाम भी दत्तात्रेय है, तो उन्हीं के ये प्रसाद स्वरूप है। और इन्हीं की सहायता से बहुत ही विशेष, मैं क्या वर्णन करूँ, यहाँ पे हड़पसर में जो भी प्रचार प्रसार इत्यादि चल रहा है, अन्नदान हो रहा है बहुत बड़े पैमाने में, तो हर क्षेत्र में हर प्रकार से, वो चाहे आर्थिक हो, बौद्धिक हो, मार्गदर्शन इत्यादि के रूप में, हर तरह से हमारे हितैषी, हमारे सुहृद श्रीमान प्रसाद दत्तात्रेय जी पाटिल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं उनसे करबद्ध विनंती करता हूँ कि वे मंच पर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर गोयल गंगा ग्रुप से हमारी गीता माता जी आई हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आएंगे। साथ ही साथ हमारे पवन कुमार अग्रवाल जी माता जी, साथ ही साथ हमारे उत्सव प्रमुख श्रीमान विकास अन्ना रास्कर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन विशेष महानुभावों को मैं निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आएंगे। महाराष्ट्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मान्यवरों के द्वारा दीप प्रज्वलन होगा, कुछ अनुमोदन भी हो सकता है एक दो मिनट के लिए, और उसके पश्चात यह द्वितीय सत्र यहाँ पर हम लोग आरंभ करेंगे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के मुखारविंद से हम दिव्य भागवत कथा का, तो हमारे पीडी पाटिल साहब जानते हैं आप सभी लोग, बड़े ही ख्यात विख्यात हस्ती हैं और चांसलर हैं, काफ़ी सारे कॉलेज इनके मार्गदर्शन में चलते हैं, हॉस्पिटल इत्यादि, तो बहुत ही विशेष हस्ती हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है अपने अति व्यस्त समय में भी समय निकालकर यहाँ पर जी उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे संकीर्तनकारी भक्तों से कि सुमधुर कुछ मंगल गान का वे गायन करेंगे, दीप प्रज्वलन होगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण आमचे सह उत्सव प्रमुख मंगेश तुके साहेब तुपे साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या ठिकाणी. हरी ओ हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरी ओ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे जितने भी मान्यवर यहाँ पर उपस्थित हैं उनका मैं शतशः अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ. सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये सभी मान्यवर अपने अपने स्थान पर आसन ग्रहण करें. जैसे मैं कह रहा था कि हम लोगों के मध्य श्रीमान प्रसाद दत्तात्रेय पाटिल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं अब उनसे निवेदन करने वाला हूँ कि वे कुछ अनुमोदन पूर्वक कुछ शब्द हमें यहाँ पर कहें, कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें. जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह कथा 20वीं कथा है. लगातार अविरत एक वर्ष कोरोना का एक साल 2020 का एक वर्ष हमारा स्किप हो गया, अन्यथा एक साल तो हमने हमारे NVCC मंदिर में राधा वृंदावन चंद्र कोंडवा कात्रज स्थित मंदिर में ही हमने कथा की थी महाराष्ट्र की. तो लगातार 20 वर्षों से यह कथा 2002 से 2023 तक कथा चल रही है. ये 20वीं कथा है. हड़पसर क्षेत्र में ये दूसरी कथा है इसी भोसले गार्डन पर. तो मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान पेड़ी पाटिल साहब को कि वे अपना अनुमोदन यहाँ पर व्यक्त करेंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हम लोग सब भाग्यवान हैं. प्रभुपाद जी ने जो हम सब लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो रूप दिखाया है और उसकी परंपरा लोकनाथ स्वामी जी ने, हम तो भाग्यवान इसलिए है कि लास्ट 20 साल से पूना में कथा हो रही है और 2 साल से हमारे हड़पसर में कथा हो रही है. और जिस तरह से ये लोग कथा करते हैं
मुझे तो मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, तकदीर वाला इस वाला हूँ, इसके लिए हूँ क्योंकि मैं स्वामी के साथ बहुत बार मिला हूँ। स्वामी जी मेरे फार्म हाउस में एक महीना भी रुके हुए थे। उनका जो जप है, नाम का जप है, वो 2400 घंटा चले रहता है। उसके बाहर वो कोई चीज़ की बात भी नहीं करते, और यही अब आशीर्वाद हम सब के लिए बहुत बड़ा है। नाम जप यही एक अपने लिए आशीर्वाद है, और अपने ज़िंदगी का यही एक पुण्य है, और यही हम लोग जब तक करेंगे तब तक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मोक्ष की प्राप्ति है। आज यहाँ पे लोकनाथ जी महाराज जी का जो भागवत पुराण चल रहा है वो भी आज विठल रुक्मिणी पे है। तो विठल रुक्मिणी तो अपने महाराष्ट्र की देवता है, हम लोगों की देवता है, तो हम लोगों को तो बहुत बड़ी खुशी है कि साक्षात पंढरपुर लेके जा रहे हैं और पंढरपुर का दर्शन करा रहे, यही हमारे लिए भाग्य है। हम सब लोग भाग्यवान हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज केशव जी महाराज जी ने मुझे यहाँ पे आगमन करने के लिए बुलाया, मैं यहाँ पे आया और यहाँ की व्यवस्था देख के मैं साक्षात धन्य हो गया हूँ। मैं केशव जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही कार्य चलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीडी पाटिल साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराष्ट्र का माल्यार्पण करके महाराज जी का वे स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का भागवत कथा का जो मुख्य विषय है भगवान की वृंदावन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। लोकनाथ स्वामी महाराज की। भगवान की गोकुल की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं, कुछ मथुरा की लीलाएं, और धीरे धीरे द्वारका की ओर आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ा विषय है, तो अधिक विलंब न करते हुए कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में हम लोग महाराज श्री के मुखारविंद से ये दिव्य भागवत कथा रूपी रस का आस्वादन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो पुनः एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बीच में कुछ कुछ चेयर्स ऐसे मुझको खाली लगती हैं, तो जो पीछे के लोग हैं वे आगे आके बैठ सकते हैं, या जो बीच में गैप छोड़कर बैठे हैं वे लोग आगे आगे आ जाएं। तो सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करता हूँ वे आसनस्थ हो जाएं, अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। अभी मैं महाराज श्री के चरणों में नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भागवत कथा रूपी गंगा में हम सभी भाविक भक्तों को वे अवगाहित करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि हरि। मैं आप सभी का, सभी कथा प्रेमियों का, और कथा प्रेमी मतलब ही होते हैं कृष्ण प्रेमी, का स्वागत करता हूँ और आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका आभारी ही हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ।
क्या हुआ? यह कथा कुछ विलंब से ही प्रारंभ हो रही है आज। और बहुत सारी कथा आपको सुनानी थी, सुनानी है भी। वह कथा का वृंदावन से प्रारंभ करते हुए मथुरा की कथा से हमें द्वारका तक भी पहुंचना है। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, द्वारका धाम की। वैसे ये तीनों धामों में ही भगवान की लीलाएं संपन्न हुई है। वैसे जब तक वृंदावन में थे तो वृंदावन में ही रहे, वृंदावन से कहीं आते जाते नहीं। वृंदावन के कृष्ण एकम पादम न गच्छति, वृंदावन के कृष्ण एक पग भी वृंदावन के बाहर नहीं रखते। किंतु जब वे मथुरा जाते हैं तो वहाँ से उनका थोड़ा आना जाना होता है। उज्जैन जाते हैं, अवंतीपुर जिसका नाम भागवत में कहा है, हस्तिनापुर जाते हैं और पुनः लौटते हैं। और फिर जब वे द्वारका पहुंचते हैं जहां भगवान ने अपना अधिक समय बिताया है, अधिकतर समय वृंदावन में, तो भगवान 11 वर्षों तक रहे। मथुरा में 18 वर्ष, तो 11 और 18 आप फिर एक वर्कआउट दी बेरीज। तो बचे हुए 125 वर्षों में से 17, 18 and 11, तो बाकी सब समय भगवान द्वारका में रहे हैं। अरे अरे, और द्वारका में इतना सारा समय भगवान ने बिताया, जो द्वारका गुजरात में है और वैसे है भी नहीं। ये धाम किसी देश में है, किसी राज्य में है, ऐसा कहना, ऐसी समझ ये अपराध है, क्योंकि ये अज्ञान भी है। क्योंकि ये सारे धाम उनका अपना ही स्थान है, वे इस जगत में होते हुए भी इस जगत में नहीं है। इन धामों का वैसे ये संसार या सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं है। उत्पत्ति के पहले भी ये सारे धाम थे और प्रलय के उपरांत भी सारे धाम बने रहेंगे। इसीलिए भी इन धामों को सनातन धाम भी कहते हैं। तो और ये धाम सनातन है कहा तो फिर ये धाम नित्य भी है, ये भी समझना होगा। क्योंकि यह भगवान की लीलाएं संपन्न होती ही रहती है सदा के लिए, या नित्य लीला। फिर लीला के भी
दो प्रकार है ही कहिए, एक को कहते प्रकट लीला, भगवान समय समय पर प्रकट होते हैं, संभवामी युगे युगे। तो श्री राम, श्री रामचंद्र भगवान के वे भी प्रकट हुए, और जय श्री राम। राम दश सहस्र दश शतानि च, इतने वर्ष, दश सहस्र मतलब 10,000, दश शतानि मतलब 1,000, 10,000 और 1,000 हुए 11,000 वर्षों तक श्री राम अपनी प्रकट लीला का दर्शन करा रहे थे, इसको प्रकट लीला कहते हैं। ये त्रेतायु की बात है। फिर द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होते हैं और वे 125 वर्षों तक अपनी लीला खेलते हैं, प्रकट लीला, और फिर अंतर्धान होते हैं। राम भी 11,000 वर्षों के उपरांत अंतर्धान होते हैं। फिर कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रामचंद्र, फिर कृष्णचंद्र, फिर चैतन्य चंद्र प्रकट होते हैं और वे 48 वर्षों तक अपनी लीला का प्रदर्शन करते हैं, फिर वे अंतर्धान होते हैं। तो अंतर्धान होने के उपरांत उन्हीं धामों में, फिर वो अयोध्या है या वृंदावन, मथुरा, द्वारका या पंढरपुर धाम की, या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मायापुर नवद्वीप में प्रकट हुए, जगन्नाथपुरी धाम में भी उनकी लीलाएं संपन्न हुई। तो ये प्रकट लीला 11,000 वर्ष, 125 वर्ष, 48 वर्ष, इतने वर्षों तक उनकी प्रकट लीला, किंतु उन्हीं धामों में, उन्हीं अवतारों में भगवान राम, कृष्ण, चैतन्य और भी अवतार ऑफकोर्स है ही, नाना अवतार मकरोत भुवनेशु। किंतु अवतार लेने के पहले भी भगवान की लीला उन्हीं धामों में संपन्न होती रहती है, और फिर भगवान अंतर्धान होने के उपरांत भी वह लीला जारी रहती है। उस लीला को नित्य लीला कहते हैं। नित्य लीला और फिर नैमित्तिक लीला या प्रासंगिक लीला, कोई कारण बनता है तो भगवान प्रकट होते हैं और फिर अंतर्धान होते हैं, लेकिन वे वैसे कई आते जाते नहीं। एक समझ तो है भगवान, या वैसे ये धाम फिर वृंदावन है या द्वारका है, मथुरा है, अयोध्या है या वैकुंठ है, ये जैसे योम स्पिरिचुअल स्काई या आध्यात्मिक जगत जिसको कहा है, वहाँ तो ये सारे धाम है ही, और फिर इस संसार में भी उसी का एक्सटेंशन काउंटर जैसे ये धाम है। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला, तो गोलोक की लीला है वृंदावन। परस्तस्मात् भाव अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातनः, कृष्ण गीता में कहे, ये संसार तो कभी, ये सृष्टि कभी व्यक्त होती है फिर अव्यक्त होती है, सृष्टि होती है, इस सृष्टि होती है संसार की, फिर प्रलय होता है, क्यों कि किंतु ये सृष्टि और प्रलय या व्यक्त और अव्यक्त के परे ही है भगवत धाम, फिर वो धाम है ऊपर वाला, या इस ब्रह्मांड में जो धाम है। हरि हरि। तो हम
हम सभी भी भगवान के हैं। ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कृष्ण कहे अर्जुन से, कहे मतलब हम सभी से ही, वे कहे संसार के जितने भी जीव है, मम एव अंशः, हम भगवान के ही अंश है, हम भगवान के ही है और हम भगवान के साथ ही एक समय थे, किंतु हमसे बहुत भारी भूल हुई, सुख भूल या घोड़ चूक झाली और हम विमुख हो के एक समय सन्मुख थे, भगवान के साथ थे, सामने थे, आमने सामने हुआ करते थे, किंतु सन्मुख के हम विमुख होते हैं और विमुख होते ही हमें इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इसको कारागार की तुलना भी दी हुई है, इस कारागार में हमको भर्ती किया जाता है और कारागार में कैदी पहुंचते ही वहाँ की उसको वर्दी पहनाते, वर्दी वहाँ के वस्त्र, वहाँ का यूनिफॉर्म। इस कारागार में ऐसे 84 लाख प्रकार के की वर्दियाँ है, इसको योनि हम कहते हैं, और फिर एक वर्दी के बाद दूसरी वर्दी के, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। कृष्ण कहे वासांसि मतलब वस्त्र, वासांसि जीर्णानि, जब वो पुराने होते, फटे पुराने या सम एक्सीडेंट समथिंग कुछ होता है तो हम उसको त्यागते हैं और नवानि नए वस्त्र धारण करते हैं, जैसे हम तो वैसे ही यहाँ के बद्ध जीव या इस संसार में पहुँचे हुए, पहुँचाए गए हुए, उनको अलग अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं और जब वो अलग अलग वस्त्र पहनता है जीव तो वो सोचता है आई एम अ कैट, आई एम अ डॉग, आई एम अ, मैं ये हूँ। अरे अरे तो मी नवेज, हम तो उसमें से कुछ भी नहीं होते, हम तो जीव, सदा के लिए जीवात्मा ही रहते हैं। और वैसे जीव का अपना रूप है, स्वरूप है, अन्यथा रूपं स्वरूपे न व्यवस्थिति, हमें पुनः अपने स्वरूप में आ जाना है या अपने स्वरूप का हमें अनुभव या साक्षात्कार करना, जिसको आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और उसी के साथ ऑफ कोर्स हम माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कैला कृष्ण वेद पुराण। जैसे हम इस संसार में आते हैं तो मोह माया ममता इत्यादि हमको भुला देती है, हम असलियत में है कौन, हम भगवान के हैं और हमारा स्वरूप है, हमारा धर्म है, इन बातों को हम भूल जाते हैं तो फिर काइंडली कृष्ण कृपा करके, लेट्स टू लाउड थोड़ा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे कारागार में जो जिन कैदियों को भर्ती किया जाता है, हरी हरी बोल, पकवास
something is sounding too loud. तो कैदियों को भर्ती करते हैं कारागार में, तो उनको तो उनके रिफॉर्म के लिए, उनके सुधार के लिए, जैसे सरकार का कोई प्रिजन मिनिस्ट्री भी होती है, उसके मिनिस्टर कई सारे सुधार के प्रयास करते रहते, हाउ टू रिफॉर्म ये कैदी, कैदियों कैसे कैसे रिफॉर्म सुधार हो सकता है, वे कैसे नॉर्मल चरित्रवान नागरिक बन सकते हैं, इसके लिए सरकार के प्रयास चलते रहते हैं। सरकार तो चाहती है कि ये सारे नागरिक स्वतंत्र हो, सज्जन हो और औरों के साथ विचरण करे, रहे, अपना जीवन यापन करे। तो वैसे ही कोर्स इन दिस केस कृष्णा अपने कई सारे अवतारों में हम जीवों को मिलने के लिए कहो, हमको संबोधित करने के लिए कहो, हमको सुधारने के लिए कहो, आ जाते हैं। राम आते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु। राम नरसिंह वराह इत्यादि श्रीमद् भागवत में कई सारे 10 अवतार, फिर दत्तात्रेय भगवान के वे भी अवतार लेते हैं। आज के दिन उनका अवतार का दिन है और इन सब के प्रयास होते हैं, हमको सुधारने के प्रयास होते हैं और ये सब हमको सुधार के पुनः आमि जातो हम जागावा हमसा राम राम घ्यावा। तुकाराम महाराज की हरी हरी। जैसे तुकाराम महाराज गए भगवत धाम, ये भगवान उनको लेके गए, विमान भेजा, हमको कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, लॉर्ड मेक्स ऑल द अरेंजमेंट्स, ताकि वह हाथी है ना घोड़ा है और कैसे जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है ऐसा भी कहा है, किंतु क्या करो, सजन रे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, वहाँ जाना है। हुआ भगवान की कृपा से, भगवान की अहैतु की कृपा से, मतलब न जाने क्यों भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, ऐसा ही कहना होगा। तो ये भागवत कथा का आयोजन भी जो यहाँ हुआ है, ये भी भगवत कृपा से ही होता है, हुआ है। और हम सभी को भगवान उनके संपर्क में ला रहे हैं, कहो उनके संपर्क में ला रहे हैं, इस भागवत कथा में फिर हमारा संपर्क या संबंध भगवान के नाम के साथ, भगवान के रूप के साथ, भगवान के गुणों के साथ, भगवान के लीला के साथ, भगवान के धामों के साथ, भगवान के अनन्य शुद्ध भक्तों के
संपर्क में भगवान हमको ला रहे हैं इस भागवत कथा के माध्यम से भी हमसे हमें सुना रहे हैं भगवान अपनी कथा। नष्टः प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। भागवत में सुत गोस्वामी कहते हैं नष्टः प्रायेषु भद्रेषु, जब हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो, और वैसे इस भागवत कथा के श्रवण को कहा पुण्य श्रवण कीर्तन, ये बहुत बड़ी पुण्याई को हम कमाते हैं या हम पुण्यात्मा बनते हैं जब हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं। हृद्यन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्, और हमारे हृदय प्रांगण में जो मल है धूल है काम वासना काम है क्रोध है लोभ है मद है मोह है मात्सर्य है, ये सारा प्रदूषण जो है इसको हटाता है ये मिटाती है भागवत कथा। नष्ट हृदयंतस्थ, हृदय में या जहाँ जहाँ ये मल है कलंक है दाग है वहाँ वहाँ कथा के रूप में भगवान पहुँचते हैं उसको साफ बनाते हैं वहाँ के अंधेरे को मिटाते हैं। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण कैसे है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण अपने लीला नाम गुण के रूप में पहुंच जाते हैं हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे अंतकरण में हमारे भावना में विचारों में जहाँ जहाँ गंदगी है मल है प्रदूषण है उसको नष्ट उसको नष्ट करती है ये कथा या नाम या फिर धाम की कथा कहो या संतों के चरित्र की कथा। और हम भी चरित्रवान बनते हैं और ये भागवत में सुत गोस्वामी कह रहे हैं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। भागवत श्रवण से हम धीरे धीरे पुनः पुनः हम भक्त बन जाते हैं। पहले तो थे भगवत धाम में जब भगवान के साथ, लेकिन हम भक्त के फिर अभक्त हुए, हम योगी थे तो यहाँ आकर हम भोगी बन गए फिर रोगी भी बन गए। ये भागवत कथा हमको भक्ति देती है भक्ति को जगाती है ये भागवत कथा। सदा सेव्या सदा सेव्या, ये इसलिए कहा पुनः पुनः इस भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। अरे अरे, और इसी श्रवण से ही हम जीवों की जो भगवान के प्रति जो भक्ति है जो अभी आच्छादित है ढकी हुई है ये पुनः प्रकट होती है। हरी हरी।
तो ये उद्देश्य है इस कथा श्रवण के पीछे का। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नॉय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। जीव का भगवान से प्रेम है, लेकिन वो ढका हुआ है काम काम से, तो इस श्रवण से पुनः प्रेम जागृत होगा। और भगवान से प्रेम हम करना प्रारंभ करेंगे अपने आई लव यू कृष्ण, आई लव यू, फिर हम इस संसार का जो आई लव यू जो चलता रहता है, जो लव नहीं होता वैसे, लव तो दिव्य होता है, अलौकिक होता है। राधा कृष्ण के मध्य का जो लव है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर अल्लादनी शक्ति रस्मात्, राधा और कृष्ण का जो व्यवहार है, लेन देन है, वो प्रेम पूर्ण है, उसको प्रेम, दैट इज लव, उसको प्रेम कहते हैं। इस संसार में तो उस प्रेम की बस छाया है या प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, या प्रेम के बिल्कुल उल्टी बात है। तो उस उल्टी को सुलटा करना है हमको, और काम करने के बजाय हम काम करने के बजाय और कथा में आ जाइए, कथे मत आ, कथा में आइए, कथा में आइए, तो लोग काम में हो, काम में हो, काम में हो। मतलब काम वासना हमको प्रेरित कर रही है, काम वश हमको ढकेल रही है, काम में फंसा रही है, इसीलिए काम में हूँ, काम में हूँ। अरे अरे, तो हम तो कथा में आइए, मतलब प्रेम सीखिए, कृष्ण से प्रेम कीजिए, ये कहने के लिए, ये करने के लिए हम बुलाते हैं, या केशव प्रभु और सभी बुलाते रहते हैं, ताकि हम कृष्ण प्रेमी बन जाए, पुनः कृष्ण प्रेमी बन जाए। और फिर कृष्ण प्रेमी बनकर हम त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, फिर हमको इस संसार में, संसार एर्जार पुनरपि जननम मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि परे मुरारे। शंकराचार्य ये प्रार्थना कर रहे हैं, या प्रार्थना करके दिखा रहे, सिखा रहे हैं हम सबको कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो पुनरपि जननम मरणम जननी जठरे शयनम इह संसारे, कैसा है, खलु दुस्तारे कृपया पाही पारे मुरारे, हे मुरारी बचाओ, हेल्प 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 हेल्प, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आप हाथ ऊपर क्यों करते हो? पूछते हैं तो हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ 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 बचाओ। और भगवान भी कहीं ऊपर है, ऊपर वाला ऊपर है, तो उनकी ओर संकेत, हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ,
हम आपकी शरण में आ रहे हैं। एक आर्मी की डिफीट होती है तो या पराजय होता है तो उस आर्मी के आर्मी मैन अपनी गन को बंदूक को ऐसे उठाते हैं और चलते हैं, मतलब वी आर सरेंडर्ड, हम पर हमें निशाना नहीं बना, वी आर हम शरण में आ रहे हैं। तो हरी हरी, मैंने वैसे कहा कि हम कथा थोड़ी प्रारंभ से शुरू कर रहे हैं और फिर ये कहते कहते मैंने और भी देरी कर ही दी। हरी हरी, तो हुआ तो कृष्ण की वृंदावन लीला है, आप देख रहे हो, देखने की चीज़ भी है यहाँ वैसे, या जो स्क्रीन्स है, इट्स ऑन राइट, हाँ तो वृंदावन में कृष्ण की वात्सल्य रस भरी लीलाएं गोकुल में संपन्न होती है, वात्सल्य वात्सल्य रस, वत्स वत्स मतलब बछड़ा, जैसे गाय का बछड़े से प्रेम होता है उसको उसको ही वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो नंद बाबा यशोदा का ही नहीं, वैसे वृंदावन के सभी एल्डरली फोक्स जो बुजुर्ग ब्रजवासी नर नारिया है उनका कृष्ण से जो प्रेम है उस प्रेम का नाम है वात्सल्य प्रेम या वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस भरी लीला है गोकुल में संपन्न होती है। दूसरा एक वैसे तीन प्रकार के रस वृंदावन में चलते रहते, एक वात्सल्य रस, दूसरा है सख्य रस, भगवान का अपने मित्रों के साथ जो संबंध और जो प्रेम जो भाव है उसका नाम है सख्य रस या सख्य प्रेम। तो भगवान दिन भर गाय चराने जाते हैं, वैसे गाय चराना तो बहाना हुआ लेकिन उनको अवसर प्रदान करता है मित्रों के साथ खेलने के लिए। तो वो जो खेल है वे सख्य रस की लीलाएं हैं। और फिर माधुर्य रस जो सर्वोपरि रस है गोपियों के साथ, राधा के साथ जो श्री कृष्ण का की लीलाएं जो संपन्न होती है ये सबसे अधिक मधुर होती है, सभी लीलाओं में माधुर्य है ही असल रस में सख्य रस में, किंतु माधुर्य लीलाओं में सर्वोपरि रस का आस्वादन स्वयं कृष्ण करते हैं। कृष्ण के जब उम्र बढ़ती है, जब बालक थे कुमार थे तो ये वात्सल्य भरी लीलाएं, जब पौगंड अवस्था को प्राप्त करते हैं 5-6 वर्षों के उपरांत ये पौगंड लीला अपने मित्रों के साथ भगवान का खेलना ये सख्य रस, और उम्र बढ़ती है तो फिर धीरे धीरे उनका गोपियों के साथ मिलना जुलना राधा के साथ, तो फिर ये माधुर्य रस भरी उसमें भी रास वृंदावन का रास क्रीड़ा, दिस इज द टॉप मोस्ट। वैसे आज का दिन दत्त जयंती तो है ही, आज
आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है। आज के ही दिन वृंदावन में कृष्ण की प्रकट लीला में माधुरी लीला के अंतर्गत एक भगवान की विशेष लीला आज के दिन संपन्न हुई। ओके, आपको कहा तो नहीं कौन सी लीला, लेकिन आपके तालियों का स्वागत है। या आप कृष्ण के इस लीला का अनुमोदन या आप स्वागत कर रहे हो, इट इज अप्रिशिएटेड। क्या हुआ? हेमन्ते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकः, ये ऋतु हेमंत ऋतु है। इस हेमंत ऋतु के प्रथमे मासी, हर ऋतु में दो दो मास होते हैं, तो इस हेमंत ऋतु का पहला मास है मार्गशीर्ष मास। इस मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया पूरे एक महीने के लिए। आज उस व्रत का वैसे अंतिम दिवस है, तो प्रतिदिन वो कात्यायनी देवी की यमुना के तट पर आराधना कर रही थी। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी, ये सारी गोपियां राधा इंक्लूडेड, उनके व्रत या आराधना के अंतर्गत वो प्रार्थना करती है, संबोधित करती है कात्यायनी को, महे महामाये हे महायोगिनी हे अधीश्वरी। ओके ओके, क्या चाहती हो? यदि कात्यायनी देवी पूछती तो ये गोपियों का कहना है, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बस और कुछ ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए हमको, हमें क्या चाहिए? ओ नंद गोप, नंद महाराज का जो पुत्र है ना नंद नंदन, हे देवी पतिम में कुरुते नमः। हम पुनः पुनः आपसे निवेदन कर रही है, आपको हमारा पुनः पुनः नमस्कार, और हमें हम पर कृपा करो और नंद नंदन कृष्ण को हमें पति रूप में वे हमें प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे अधीश्वरी। तो आज के दिन फिर कृष्ण आते हैं वहाँ, और गोपिया जब प्रातः काल में ही जमुना मैया के जमुना में स्नान कर ही रही थी, अपने सारे वस्त्र नदी के तट पर रखी है और विवस्त्र नग्न अवस्था में और स्नान कर रही थी, तो कृष्ण जाते हैं और उनके वस्त्रों की चोरी करते हैं। गोपी वसन हर, वस्त्रों को हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। चिर घाट, इसीलिए इस घाट का जहाँ पर ये कात्यायनी की पूजा हो रही थी तो चिर घाट कहते हैं। चिर मतलब वस्त्र, भगवान कदम के वृक्ष पर जाके बैठते हैं वस्त्रों के साथ और फिर कहते हैं, आ जाओ, वस्त्र चाहिए ना, आगे बढ़ो।
हरी हरी। तो बन गए भगवान या बनना चाहते हैं या उनकी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, आज उनके पति बनना चाहते हैं या बनने के लिए तैयार है, तो स्त्री तो अपने पति के ही, केवल पति के ही समक्ष या प्रत्यक्ष विवस्त्र हो सकती है, बिना वस्त्र के केवल अपने पति देव के समक्ष ही हो सकती है। तो वैसा ही यहाँ हो रहा है। तुम चाहती हो ना मैं पति बनूँ तुम्हारा, आ गया मैं, तुम आ जाओ। तो हुआ, भगवान ने उनको, या भगवान बन गए हैं पति, उनकी इच्छा की पूर्ति हुई है। किंतु वृंदावन में भगवान, या वृंदावन में जो गोपियों के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं, या गोपियों के साथ जो भगवान का संबंध है, उसको परकीय भाव या परकीय रस कहा है। ये औरों की स्त्रियां है और उनके साथ भगवान रास क्रीड़ा इत्यादि खेल या लीला खेलते हैं, परकीय भाव। द्वारका में स्वकीय भाव संभव होता है, कृष्णा इज मैरिड द्वारका में, वृंदावन में मैरिज नहीं होता, परकीय भाव होता है। तो जिन गोपियों ने प्रार्थना की है आप हमें पति रूप में प्राप्त हो, तो एक प्रकार से स्वीकार तो कर रहे हैं, ओके ओके मैं आपका पति, तुम मेरी रानियां पत्नियां हो। किंतु हुआ ये लीला, ऐसा संबंध का प्रदर्शन वृंदावन में नहीं होगा, वो द्वारका में होगा। तो वृंदावन की राधे, जय राधे, क्या हुआ वृंदावन वगैरह में जय राधे कहते, जय राधे पुणे में, पांडुरंग थोड़ा अलग। क्या हुआ वृंदावन की राधा द्वारका में सत्यभामा बनती है। व्हाट अबाउट रुक्मिणी, वृंदावन की जो चंद्रावली है, आपने नाम सुने होंगे, राधा और चंद्रावली दो बड़े बड़े नाम है। सभी गोपियों में ये शिरोमणि गोपिया है, राधा और चंद्रावली। तो राधा बन जाती है सत्यभामा, चंद्रावली बन जाती है रुक्मिणी, और ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद। तो ललिता, वृंदावन की ललिता द्वारका में जाम्बवती बनती है, वृंदावन की विशाखा द्वारका में कालिंदी बनती है, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन ऑन ऑन। 16108 जो रानियां द्वारका में होगी, ये ओरिजिनली वृंदावन की गोपिया ही है, जिन्होंने कात्यायनी की पूजा व्रत किया और प्रार्थना की, तो उसका फल, इसके परिणाम स्वरूप कहो, ये सब गोपियाँ द्वारका में भगवान की रानियाँ बनने वाली है। ये थोड़ा एडवांस में हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ अधिक चर्चा करने वाले हैं 16108 रानियों की द्वारका लीला में। ओके, तो इसी के साथ हम ये वृंदावन चैप्टर का हो यहीं पर इसको क्लोज करके हमें
मथुरा की ओर आगे बढ़ना है, तो वह कृष्णा अब वृंदावन में 11 वर्षों से हैं, और बलराम भी, बलराम तो एक वर्ष अधिक ही एडिशनल, क्योंकि उन्होंने ये सातवें पुत्र थे और कृष्ण 8वें पुत्र थे, लेकिन कंस को ये पता नहीं था। जब बलराम का जन्म होता है तो वह गर्भांतर होता है, गर्भांतर, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है, गर्भांतर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द वूम्ब। तो बलराम तो हुआ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उनको स्थानांतरित किया, इसीलिए उनका नाम शंकरषण भी होता है, शंकरषण भी होता है। तो ये सातवें पुत्र, तो वह कंस को पता नहीं चला कि हुआ क्या, व्हाट हैपन्ड, इट्स अ मिसकैरेज समथिंग, ऐसा कुछ हुआ। तो सातवें पुत्र कुछ पता ही नहीं चला था, और आठवें पुत्र का तो पुत्र नहीं, पुत्री हो गई, और उसकी हत्या करने का प्रयास जब हुआ तो वो पुत्री उसने देवी का रूप धारण किया और कहा था तुम्हारा जान लेने वाला, तो और कई जन्म हुआ है। तो 11 वर्षों तक ये खोज चल रही थी, कंस भेजता रहा था पूतना को, तृणावर्त को, और अघासुर, बकासुर, सुर, वन आफ्टर अदर। उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक था असुरों का, वो डिस्पैच करता रहता था, लेकिन वे वन वे टिकट से जाते और कोई लौटता नहीं था। स्वाहा 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 आहुति चढ़ा रहा था। तो 11 सालों के उपरांत नारायण नारायण नारद मुनि मथुरा में कंस के पास पहुंचते हैं और दे जानते हो वो बलराम वही तो वसुदेव देवकी का सातवां पुत्र है, और वो कृष्णा ही इज द 8th चाइल्ड। तो फॉर फर्स्ट टाइम नारद मुनि के समझाने पर उसको ये बात समझ में आई, तो उसी के साथ वो योजना बनाता है। तो अक्रूर को कंस भेजता है वृंदावन, जाओ कृष्ण बलराम को ले आओ, और वैसे यह उत्सव होगा, धनुष यज्ञ होगा, जंगी कुश्ती का मैदान होगा, रेसलिंग मैचेस होगी, उत्सव होगा, फेस्टिवल, उसके लिए बुलाओ। और जब वे यहां आएंगे तो उनकी हत्या करूंगा, वध करूंगा, ऐसा उसका संकल्प तो था सही। तो हुआ तो अक्रूर जाते हैं रथ में बैठकर, और नंद भवन, नंदग्राम धाम के, मथुरा से नंदग्राम जाते हैं, नंदग्राम वृंदावन जाते हैं। तो हम जब कहते हैं तो कई बार हम सोचते हैं वृंदावन मतलब वो वृंदावन जहाँ बांके बिहारी मंदिर है, इस्कॉन का कृष्ण बलराम मंदिर है,
या पंचकोशी वृंदावन है। वृंदावन तो बहुत विशाल, केसी घाट बंसी वट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन। द्वादश कानन है वृंदावन, तो विशाल। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं 84 कोस वाली, तो एक मास तक हम लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। 30 दिनों में ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है। पंचक्रोशी जहाँ बांके बिहारी मंदिर लोई बाजार जिसको कहते हैं, उसकी परिक्रमा तो कुछ घंटों में हो जाती है, लेकिन ब्रजमंडल परिक्रमा टेक्स एंटायर मंथ। तो नंदग्राम गए अक्रूर और कृष्ण बलराम को मिले ही, नंद बाबा को मिले, ओवर नाइट स्टे हुआ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रथ को तैयार करते हैं, सजाते हैं उस रथ को। कृष्ण बलराम आरूढ़ भी होते उस रथ में, और अब रथ का प्रस्थान होना ही है। तब ऐसे और भी ब्रजवासी, कई ब्रजवासी तो कृष्ण बलराम के साथ नहीं, लेकिन आगे पीछे बुजुर्ग ब्रजवासी जाने वाले थे, कृष्ण के मित्र भी जाने वाले थे, लेकिन गोपियां नहीं जा सकती थी। तो गोपियों के प्रयास हो रहे हैं कि कैसे रोका जाए, क्या करे ताकि कृष्ण बलराम न जाए वृंदावन को छोड़कर। तो वह तो घोड़ों को रोक रही है, पहियों को उल्टा घुमा रही है, कोई अक्रूर के गले को पकड़ रहे, तुम्हारा नाम तो है अक्रूर, किंतु वैसे हो तुम क्रूर हो, यू आर वेरी क्रूर पर्सन, हमारे प्राणनाथ को तुम ले जा रहे हो। तो इस संबंध में सोडुनिया गोपीना कृष्ण मथुरे सी गेला, ऐसा गीत है। तो अक्रूराने रथ सजविला, कृष्ण रथ मधे बैसला। तो कृष्ण ने अक्रूर रथ को सजाए हैं, कृष्ण बलराम बैठे हैं। सोडुनिया गोपीना कृष्ण मथुरे सी गेला, गोपियों को वृंदावन में पीछे छोड़कर कृष्ण और बलराम को ले जाते हैं अक्रूर। अरी अरी वाटे जावे त्यांचा बरोबरी, तो सभी गोपियां चाहती तो है कि क्या हम भी जा सकती है, किंतु जानती कि संभव नहीं है, हम नहीं जा सकती। तो कृष्ण बलराम के साथ आगे बढ़ते हैं, और जाते समय कहे तो से आया से आया, अभी अभी आते, जस्ट नाउ कमिंग, यस यस कमिंग, जस्ट नाउ कमिंग। तो सांत्वना तो देते हुए आगे बढ़ते हैं। अक्रूर घाट पर अक्रूर ने जहा उस रथ को जिसमें कृष्ण और बलराम विराजमान थे अभी पहुंचे हैं, यमुना के तट पर, मथुरा के प्रवेश द्वार पर ही वहाँ रथ को रोके हैं।
उस स्थान का नाम अब अक्रूर घाट हुआ, अक्रूर घाट हुआ। कई सारी लीलाएं भी संपन्न होती है। तो प्रातःकाल में प्रस्थान किए हुए कृष्ण बलराम रथ में विराजमान होते हुए, अथ अपराह्ने भगवान कृष्ण संकर्षान्वितः। अपराह्न में, अपराह्न मतलब आफ्टरनून, पूर्वाह्न बिफोर नून, मध्यान्ह नून, अपराह्न आफ्टरनून, अष्टकालीय लीला, आठ अलग अलग काल पीरियड्स होते हैं, उसमें अपराह्न आफ्टरनून में भगवान कृष्ण बलराम के साथ मथुराम प्राविशत, मथुरा में प्रवेश करते हैं। यदि आप देख रहे हो स्क्रीन पर तो कृष्ण बलराम का यहाँ स्वागत सत्कार और आरती भी उतार रहे हैं। वैसे वृंदावन में ऐसी आरती वगैरह नहीं उतारा करते थे ब्रजवासी, लेकिन यहाँ भगवान अपने भगवत्ता का, अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का हल्का सा प्रदर्शन करते हैं। वृंदावन में केवल माधुर्य का प्रदर्शन होता है, माधुर्य, स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन यहाँ थोड़ा ऐश्वर्य थोड़ा। तो फिर ऐश्वर्य की फिर पूजा प्रारंभ होती है, जैसे हम आप देख रहे हो। वसुदेव नंदनो, और उनके मित्र भी उनके साथ है, और उनको दृष्टुम, उनको देखने के लिए पूरा स्त्रियः, मथुरा की स्त्रियः सर्वत्र छत पर बरामदे में इकट्ठी हुई है और आपस में चर्चा कर रही है, कुछ पुष्प वृष्टि कर रही है। एक धोबी वाला दिखता है कृष्ण को, कृष्ण सोच रहे हैं कि हम जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, हम गांव वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और हमारे वस्त्र भी वैसे ही है। हम यहाँ तो मथुरा में आए, मथुरा इज अ बिग टाउन, तो यहाँ के लोगों जैसी वेशभूषा करने का विचार। तो उन्होंने धोबी को देखा तो धोबी से वस्त्र की इच्छा व्यक्त की, तो हुआ ए मरना है। और धोबी का ये वस्त्र तो हुआ मथुरा नरेश कंस के लिए है, और उन वस्त्रों की तुम मांग कर रहे हो, तो ये इस बात से कृष्ण पसंद नहीं आए, ऐसे क्रोध किया भगवान ने, और अपने हाथ से ही मानो हाथ की कुल्हाड़ी बना के उसके गर्दन को काट लिया। और हरी हरी उसी के साथ उसका सारा जो वस्त्र का बंडल गिर जा, और भी जो दूसरे धोबी थे वे भी अपने वस्त्र के बंडल्स वही फेंक के भयभीत होके पलायन किए। तो कृष्ण बलराम और अपने अरे मित्रों ने वहाँ के अपने अपने पसंद के वस्त्र पहनते हैं, और वहाँ से एक टेलर के पास जाते हैं, क्योंकि वस्त्र उनको फिट नहीं हो रहे थे, लाइक बहुत कुछ हो रहा था, तो टेलर ने उसको फिट किया। भगवान आगे बढ़ते हैं, उनके जाना है वैसे मथुरा में कंस टीला करके स्थान है, कंस टीला, यह कुश्ती का जंगी मैदान तैयार है, बस कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा थी। तो कृष्ण बलराम जा रहे हैं मथुरा में से,
तो रास्ते में ततः सुदाम्नो भवनम मालाकार रश जगमतु, एक मालाकार माली, उसका नाम है सुदामा, ये दूसरे सुदामा है, मथुरा के सुदामा नहीं, आई मीन द्वारका के। उन्होंने कृष्ण बलराम को सुंदर मालाओं से सुशोभित किया है। नमाम शिरसा भुवि, और नमस्कार किया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। रास्ते में कुब्जा मिलती है, कुब्जा या कुबड़ी, उसके पास चंदन था और चंदन लेके कंस की सेवा के लिए, कंस के अंग लेपन के लिए चंदन था। तो कृष्ण बलराम ने जब मांग की तो सी वॉज रेडी, और उसने हरिचंदनम सुललितम, कृष्ण और बलराम को के विग्रह को चंदन चर्चित बना दिया। कृष्ण बलराम प्रसन्न थे। तो वैसे उस समय नहीं, लेकिन बाद में कुछ समय उपरांत कृष्ण मिलने जाते हैं कुब्जा को, ऐसा इनविटेशन भी था कुब्जा ने, हमारे निवास पर आ जाइए। तो ये कुब्जा रामलीला के समय वाली शूर्पणखा थी, शूर्पणखा, तो त्रेतायुग की शूर्पणखा, आप जानते शूर्पणखा, जिसके नख कैसे थे सुपासर के, एक एक नख एकाएक सुपासर का, सूप सूप मानते सूप, तो ऐसे पांच बड़े बड़े सूप शूर्पणखा, जिसके नाक को काटे थे लक्ष्मण, और नाक जहाँ गिरा उस स्थान का नाम हुआ नासिक। हमारा जो नासिक है, ये नासिक नाम कहाँ से आया, शूर्पणखा का नाक, तो वहाँ वो शूर्पणखा चाहती थी, राम को चाहती थी, राम का अंग संग चाहती थी, या राम को पति रूप में चाहती थी। तो वही शूर्पणखा अब बनी है कुब्जा, और इसी शूर्पणखा कुब्जा की इच्छा की पूर्ति इस लीला में मथुरा में कृष्ण किए हैं। और फिर फाइनली कुवलयापीड़ नाम का हाथी भी था, तो उसका भी वध करते हैं कृष्ण बलराम, और इस हाथी के दो दांतों को उखाड़ के, ए बलराम तुम एक ले लो, तो कृष्ण और बलराम दांत, हाथी के बड़े दांत, दांतों को लेके प्रवेश करते हैं जहाँ कुश्ती का मैदान, और वहाँ कंस मामा ने देखा कृष्ण बलराम को। उसने सोचा था कि ये हाथी जरूर जान लेगा कृष्ण बलराम की, लेकिन जब कंस ने देखा कि मेरे हाथी, और ये विशेष बलवान हाथी था, नामी हाथी था, कुवलयापीड़ नाम का, विश्व में प्रसिद्ध नंबर वन काइंड ऑफ इलेफेंट, पावरफुल, एंड उसके दांत जब कंस ने कृष्ण और बलराम के हाथों में एक एक दांत देखा, तो वो समझ गया आई एम द नेक्स्ट वन। तो वह मल्ल युद्ध होता है और कृष्ण कंस का वध करते हैं, और कंस का वध होता है तो कंस के आठ भाई थे, कंकादि, कंक इत्यादि,
तो बलराम उनको लिटा दिए, उनकी जान लिए। हरी हरी। तो इसी के उपरांत कृष्ण बलराम वसुदेव और देवकी से मिलते हैं। इनको कारागार में ही रखा था, लेकिन देखो कितना अत्याचारी कंस, उसने वसुदेव और देवकी को वहाँ लाया था। कुछ आसन भी कुर्सी भी दी होगी इन फ्रंट रो। तुम आज देखोगी हे वसुदेव और देवकी, आज तुम्हारे कृष्ण बलराम के वध को तुम देखो। ऐसा सोचकर वसुदेव देवकी को कारागार से वहां उस रेसलिंग मैच में लाकर बिठाया तो था। तो उल्टे कृष्ण बलराम ने ही, कोर्स वैसा ही होता है, और फिर तो कृष्ण बलराम का अब तक पढ़ाई नहीं हुई थी। अब तक वे गायों को चराते रहे प्रतिदिन। ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते थे। लूट लूट दधि माखन खायो, प्रातःकाल में मित्रों के साथ ही लूट लूटते थे माखन, और दिन में गायों को चराने जाते। गोचारण लीला, ये प्रतिदिन की लीला, उसी में व्यस्त रहे। अध्ययन के समय लिए समय नहीं था। तो अब जब वे मथुरा पहुँचे हैं तो वसुदेव और देवकी ने उनको उज्जैन भेजा है, अवंतीपुर। भागवत में उसका नाम अवंतीपुर या बिग यूनिवर्सिटी। और कुलगुरु थे सांदीपानी मुनि, ही वॉज अ प्राचार्य, द टीचर गुरु। तो कृष्ण बलराम, और उसी समय तो सारे संसार भर के, सारे भारतवर्ष के विद्यार्थी, इंक्लूडिंग पोरबंदर से सुदामा भी आए थे। पोरबंदर गुजरात में एक टाउन सिटी है, पोरबंदर। जी, पोरबंदर में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, एम के गांधी जी। हरी हरी। तो हुआ तो कृष्ण बलराम के साथ सुदामा भी थे। अगर आप चित्र देख रहे हो तो यहाँ तो कृष्ण और एक शिखा वाला बालक भी है। ये मधुमंगल है, और ये दृश्य तो वृंदावन का है। और ये मधुमंगल सांदीपानी मुनि के पुत्र थे, और कृष्ण बलराम की लीला में वे कृष्ण के साथ रहा करते। बड़े विनोदी, वेरी जोकिंग फ्रेंड। भगवान को कभी या सब समय हंसाते रहते हैं। हरी हरी। देखो देखो, कहते जब भोजन कर रहे हैं तो कृष्ण को कहते हैं देखो देखो उधर उधर देखो देखो। तो कृष्ण जब उधर देखते तो ये मधुमंगल कृष्ण के थाली में से कोई मिष्टान्न लेके, उसको ये ब्राह्मण का पुत्र है तो लड्डू, मोदक प्रिय ब्राह्मण का पुत्र, तो ऐसे चालाकी से युक्ति पूर्वक लड्डू भी खाया करते थे, और भी कई सारी की। और उसी में आप देख रहे हो, यह एक समय की बात है, कृष्णा इज लगा ब्रह्मचारी, बलराम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी गुरुकुले
वसंदंतो गुरोर्हितम्। भागवत में कहा है ब्रह्मचारी क्या करते, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, गुरुकुल में रहकर गुरोर्हितम्, गुरु के आदेश का पालन और गुरु की सेवा में तल्लीन विनम्र भाव से रहना, और जो भी, और शिष्य मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन, डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। तो एक समय कृष्ण को भेजा, जाओ कुछ ईंधन लेके आओ रसोई घर के लिए, रसोई के लिए। तो साथ में सुदामा भी गए थे, और ईंधन इकट्ठा जब ये कर ही रहे थे तो इतने में वर्षा हुई, धीरे धीरे आंधी तूफान और वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह जलमय हुआ, धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, और रात में वही रहे ये कृष्ण और सुदामा, और ये रात भर पिता तुल्य सांदीपानी मुनि चिंतित रहे। और प्रातः काल में खोजते हुए, लालटेन लेके खोजते हुए आए, कृष्णा सुदामा पुकार रहे थे। तो फाइनली मिले कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा। और कृष्ण और सुदामा इतने प्रसन्न थे, गुरु महाराज सांदीपानी मुनि। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान भी प्रसन्न होते, यश प्रसादात भगवत प्रसाद हो। तो ऐसी लीला कृष्ण बलराम खेल रहे हैं। अरे उनसे, उनको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्या वेदांत कृत वेदवित। उन्होंने गीता में कहा, वेद ये मेरी रचना है, वेद मैं जानता हूं, वेद मुझे जानने के लिए है। ऐसे वेद के रचयिता, वेदज्ञ, और वेद के अध्ययन से जिनको हमें समझना है, उनका साक्षात्कार करना है, तो वे कृष्ण या वेद अध्ययन इत्यादि अध्ययन के लिए पहुंचे हैं। इस प्रकार का आदर्श रख रहे हैं हम सभी के समक्ष। हमें अपने पुत्रों को गुरुकुल में भेजना, गुरुकुल गुरुज। हरी हरी। और एक समय हर स्कूल गुरुकुल स्कूल हुआ करता था, हर स्कूल गुरुकुल स्कूल। हरी 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 हरी। जब मैं छोटा था और पढ़ाई करता था, तो वह जो टीचर हमको गुरुजी गुरुजी तो कहते तो सही, हम उनको गुरुजी कहते, और फिर गुरुजी ए रघु, कभी रघु तो ए रघिया, इकड़ी ये हमको बुलाते और कहते बीड़ी लेके आओ। या फिर पूछता है किसके घर में मुर्गी मुर्गी कोंबड़िया कुना जा घर मध्य है अंडी घेन या। हम उनको गुरुजी गुरुजी कहते और गुरुजी हमको बीड़ी लेके आओ। हरी हरी। तो ये केवल नाम मात्र के गुरुजी रहे। दिस इज द एज ऑफ कली। हरी। तो सुदामा को हम द्वारका लीला में मिलने वाले हैं। तो इसी मथुरा लीला के
अंत में और भी कई सारी लीलाएं मथुरा में 18 वर्ष रहे मथुरा में। और वैसे भगवान की हर हरकत का ही है, एवरी मूवमेंट ये लीला ही होती है। तो प्रतिक्षण क्षण अनुक्षण भगवान की लीला होती ही रहती है। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी सारी लीलाएं, लीला का सागर। तो हम मथुरा के भगवान के वहाँ का जो वास्तव्य रहा कि अंत में अब पहुँच रहा, या कहो ओके ये होता ये था, या ये कह के वैसे हर वर्ष की बात भी हो सकती है। एक बात ने भगवान को कृष्ण और बलराम को बिजी रखा 17 वर्षों तक, और वो ये था कि जैसे भी कृष्ण पढ़ाई करके लौटते हैं अवंतीपुर या उज्जैन से, तो वह जरासंध वैसे कंस का जब वध होता है तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति नाम की दो पत्नियां थी, और ये जरासंध की पुत्रियां थी। तो ये जरासंध के वध के उपरांत पर रोती हुई पिताश्री के पास पहुंच जाती है, जरासंध के पास पहुंच जाती है, और फिर जरासंध ने ये समाचार जब सुना तो अब मैं इसका बदला लूंगा, आई विल किल कृष्णन बलराम। तो इस उद्देश्य से वो हर वर्ष बहुत बड़ी सेना लेके मगध देश से आता रहा। कितनी सेना? 23 अक्षौहिणी डिवीजन सेना लेके वो आया करता था। और फिर कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण और बलराम सारी सेना की जान लेते, उनकी हत्या होती, उनको यमपुरी भेजते, केवल जरासंध को बचाते। और जरासंध जब देखता आई एम द ओनली वन, मैं तो अकेला रह गया, तो फिर पुनः अपने कैपिटल जाके अपने इष्ट मित्रों से SMS या वट एवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संपर्क करके पुनः 23 अक्षौहिणी डिवीजन सेना लेके वहाँ पहुँचता, और पुनः कृष्ण केवल उसी को बचाते, पूरी सेना का वध होता। देन थर्ड टाइम फोर्थ टाइम इस प्रकार ये चल रहा था, 17 बार हुआ। अब यानी जस्ट क्विकली आप नोट कर सकते हो, कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल एक ही बार 18 अक्षौहिणी डिवीजन सेना आई थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवा शैव, ये जो महाभारत के युद्ध में केवल 18 अक्षौहिणी डिवीजन सेना एक ही बार आई, युद्ध हुआ महायुद्ध जागतिक युद्ध। लेकिन मथुरा में जो युद्ध हुआ 17 बार युद्ध हुआ, और हर समय 23 अक्षौहिणी डिवीजन सेना लेके जरासंध पहुंच जाता था। और ये जो भी कृष्ण बलराम के साथ लड़ने के लिए और कृष्ण बलराम की हत्या करने के उद्देश्य से आने वाले ये सब जरासंध एंड कंपनी चांडाल चौकड़ी ये सब असुर मंडली ही तो होगी। तो
तो कृष्ण का प्राकट्य का क्या कारण है? या परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान ये जो विनाशाय च दुष्कृत दुष्टों का संहार करने में जरासंध ने से भगवान के साथ बड़ा योगदान दिया हुआ है, नहीं तो इन सारे असुरों का वध करने के लिए भगवान को डोर टू डोर, घर घर, हर नगर हर ग्राम जाना पड़ता, वो थोड़ा रिटेल बिजनेस हो जाता, रिटेल, एक एक को एक एक के साथ डील करो। लेकिन ये जरासंध क्या करता, सारे असुरों को लेके ओके चलो, और फिर कृष्ण विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करते, तो होलसेल किलिंग, होलसेल बिजनेस, नो रिटेल, होलसेल। तो एनीवे अब थोड़ी देर में अपनी लीला को, लीला कथन को विराम देते हैं। थोड़ा जितना सोचा था उतना तो हरी हरी। तो अब 18वीं बार जरासंध आने ही वाला था, कृष्ण जानते थे, हो सकता है कोई इसका कोई सीजन होता होगा, ये महीना जरूर आएगा, तो उसका रूटीन चल रहा था। तो जरासंध भी आने वाला था, और इसी समय काल यवन नामक का एक असुर भी वहाँ पहुँच जाता है। हरी हरी। और वो बहुत बड़ी सेना लेके आया है। तो कृष्ण और बलराम सोचते हैं कि दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन, तो हमारे यादवों का क्या होगा, कि ये दिस आणी बाणी इमरजेंसी। तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, अपने सारे यदुवंशियों को या मथुरा वासियों को कहो, द्वारका पहुंचाते हैं, और उनको पहुंचाने के पहले द्वारका में उनके निवासों की व्यवस्था करते हैं। उसके लिए समुद्र से जमीन उधार भी लेते हैं। जब तक कृष्ण बलराम रहेंगे द्वारका में, तब तक ही वो जमीन का उपयोग कर सकते थे। जैसे ही लीला उनकी पूरी होगी, वहाँ वे नहीं रहेंगे, अपने धाम लौटेंगे, तो पुनः वो जमीन समुद्र वापस लेने वाला है, लेने वाला था। तो उतने समय के लिए उधार ली हुई थी। तो उस लैंड पर कृष्ण बलराम ने रातों रात विश्वकर्मा की मदद से अरे रहने की व्यवस्था की। कृष्ण बलराम लौटते हैं मथुरा, तब एक काल यवन आता है, उसे नारद मुनि के पास आता है, नारायण नारायण, और ये काल यवन के दे वैसे मानो वो नारद की हत्या करना चाहता था। वैसे उसका ये निवेदन था कि हे नारद जी, हमें ऐसे राजा या व्यक्ति का परिचय दो जो नामी हो, नामवंत हो, विख्यात हो, और मैं उनका बात करूंगा, इसी के साथ मेरा नाम होगा सारे संसार में। तो कौन है वो व्यक्ति? नारद में आई नो ऐसे व्यक्ति तो कृष्ण ही है। तो कहाँ है, कैसे दिखते हैं? तो नारद मुनि ने सब बता दिया, आईडी दे दी। तो ये काल यवन भागे दौड़े
मथुरा में पहुंचता है, उसी समय कृष्ण अपने भवन से निकलकर कहीं जा रहे थे, तो काल यवन ने कृष्ण को देखा। वसुदेवो ही अयम इति, तो कृष्ण को देख के पता, ए नारद मुनि ने जैसे वर्णन किया था कृष्ण का, यही तो हो सकते हैं। चतुर्भुजो अरविंदाक्ष वनमाल्य अति सुंदर, चतुर्भुज है अरविंदाक्ष, पद्मलोचनी वनमाला और परम सुंदर सौंदर्य, तो यही तो होने चाहिए। तो वह लेकिन इसने देखा कि कृष्ण के पास कोई हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो ये मानो बड़ा सज्जन बन के, या जैसे धर्म युद्ध में शत्रु के साथ पास कोई हथियार नहीं तो फिर हथियार के साथ उनके साथ युद्ध नहीं करना होता है, तो उस नियम का पालन भी यवन काल यवन कर रहा है। तो उसके हाथ में जो हथियार था उसने फेंक दिया और कृष्ण का पीछा करने लगा, क्योंकि उसको कृष्ण का वध करना है। तो कृष्ण जा रहे हैं और ये काले वन पीछे पीछे आता रहा, और कृष्ण उतने ही दूर रहते रहे ये सोचते अभी मैं पकड़ने ही वाला हूँ, लेकिन कृष्ण पकड़ में नहीं आते, कृष्ण तो आगे बढ़ते रहे। और फाइनली कृष्ण एक गुफा में प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण ने तो प्रवेश किया अंधेरी गुफा में, और कालयवन भी पीछे से वो भी घुसा उस गुफा में, लेकिन उसने अनुभव किया है यहाँ कोई व्यक्ति लेटा हुआ है क्या। हाँ, वहाँ इस उस गुफा में मुचकुंद महाराज लेटे हुए थे, उन्होंने देवताओं की युद्ध में बहुत बड़ी सहायता की हुई थी, देवताओं के पक्ष में वे लड़े थे, तो उन्होंने मुचकुंद महाराज ने कहा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मैं विश्राम कर सकूं, आई नीड अ गुड लॉन्ग रेस्ट। ओके, और उन्होंने ऐसा भी वरदान दिया देवताओं ने कि हे मुचकुंद महाराज, आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई है और बीच में कोई आके आपको जगाता है, आपकी निद्रा का भंग करता है, तो उस व्यक्ति को तुम अपने आँखों से अग्नि उत्पन्न होगी और वो व्यक्ति राख बनेगा, जल जाएगा। तो वही अभी होने वाला है और हुआ भी। तो काल यवन ने जैसे कि गुफा में प्रवेश किया तो वहाँ मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे, तो उनकी नींद खुल गई और उसी के साथ मुचकुंद महाराज अब देख रहे हो गया उसका राख हो गई। अरे अरे, और फिर मुचकुंद महाराज और कृष्ण का मिलन संवाद होता है। मुचकुंद महाराज प्रार्थना भी करते हैं, सुंदर प्रार्थनाएं भागवत में प्राप्त है उनकी, उन्होंने की हुई। और भगवान उनको एक विशेष वरदान देते, तुम्हारे भविष्य के जीवन में, भविष्य में
मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो यही मुचकुंद पंडरपुर में पुंडलिक, पंडरपुर के पुंडलिक जो माता पिता की सेवा में थे, तो इतने में भगवान वो लीला हम कहने वाले हैं। कृष्ण वहाँ द्वारका से वहाँ पहुँच जाते हैं, पहले रुक्मिणी को मिलते हैं और फिर मिलने जाते हैं पुंडलिक को, जैसा उन्होंने वरदान दिया था पुंडलिक को जब वे मुचकुंद महाराज थे। हरी हरी। तो मुचकुंद को ऐसे वरदान देने के उपरांत अब कृष्णा और बलराम तो आ जाता, जरासंध आ गया, जरासंध आ गया, सेना लेके आया। लेकिन ये समय कृष्णा ने रूटीन बिजनेस, हम हर साल साल तो युद्ध खेल ही रहे हैं, तो कृष्ण बलराम ने इस समय युद्ध खेलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। और साथ ही साथ कृष्ण जानते थे कि कौंडिन्यपुर, कौंडिन्यपुर महाराष्ट्र में रुक्मिणी मेरी प्रतीक्षा में है, मेरा विवाह उनके साथ होना है। तो इस उद्देश्य से भी कृष्ण और बलराम मथुरा से प्रस्थान करते हैं। और ये देख के जरासंध कहने लगे, ए रणछोड़, रणछोड़, डरपोक कहीं का, या डरपोक कहीं के कृष्ण और बलराम। तो कृष्ण बलराम ने ध्यान नहीं दिया, कृष्ण बलराम आगे बढ़े और जरासंध अपनी सेना लेके पीछा कर रहा है। कृष्ण बलराम एक पर्वत पर चढ़े, वहाँ काफी जंगल था, तो जरासंध वहाँ के खोजने का प्रयास करता है, कृष्ण बलराम नहीं मिलते हैं। आग लगाओ, तो सारे पहाड़ को आग लगाई जाती है। तो कृष्ण बलराम उस पहाड़ के उत्तुंग शिखर पर पहुंचे थे, 88 miles tall। तो वहां से कृष्ण बलराम कूदते हैं, नीचे उतरते हैं और वहां से वे द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, द्वारका धाम के। और वहां जब वे आते हैं तो रणछोड़ राय के, अच्छा हुआ, स्वागत है दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। चलिए हम भी स्वागत करते हैं कृष्ण बलराम का, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा उपस्थित है श्रीमान पीडी पाटिल जी पवन कुमार जी विकास राजकर जी मंगेश टुप्पे साहब एवं गीता गोयल माता जी ये हमारे विशेष विशेष यजमान उपस्थित है। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि आरती के लिए भी आगे आएंगे। इस हरिनाम कीर्तन के साथ ही आरती होगी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare सबके लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद है। तो सबसे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Vitala, Vitala, Vitala,
विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला Vitala, 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 परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरशत श्री श्रीमद् इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय द्वारका धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय मायापुर धाम की जय अयोध्या धाम की जय पंढरपुर धाम की जय गंगामयी जमनामयी की जय चंद्रभागा मैया की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भगवद्गीता की भागवत कथा महोत्सव की जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 श्री विठ्ठल रुक्मिणी की जय राधा
राजा पंडरीनाथ की जय, राजा वृंदावन चंद्र की जय, राजा कुंज बिहारी लाल की जय, इस्कॉन प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रभुपाद की जय, निधाय गौर प्रेमानंद सेम्बल डिपोटी हरे कृष्णा समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि वो वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। मैं सबसे निवेदन करता हूं, जोरदार अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम महाराज जी को धन्यवाद देंगे। जितने भी लोग बैठे हैं खड़े हो जाइए, खड़े हैं वो हाथ उठाइए अपने और जोर से मेरे साथ महामंत्र कहेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज विशेष विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा हम लोगों के मध्य पीढ़ी पाटिल साहब उपस्थित हैं। वैसे आए दिन हर रोज हजार हजार लोगों को अब प्रसाद खिलाने का कार्य उनकी सहायता से संपन्न हो ही रहा है। श्रील प्रभुपाद प्रसाद के माध्यम से हड़प सर के द्वारा गौर गरीब लोगों को ये प्रसाद खिलाया जाता है, लेकिन विशेष करके आज आज का जो विशेष महाप्रसाद है आप सभी लोगों के लिए सुंदर ऐसा भोजन प्रसाद है। इसकी व्यवस्था इसका प्रायोजन हमारे पीडी पाटिल साहब जी के द्वारा हुआ है, उनका नाम ही प्रसाद है, हरि बोल। तो आज का महा महा प्रसाद हमारे प्रसाद दत्तात्रेय पाटिल साहब के द्वारा है। हमारे भक्त हमेशा कहा करते हैं प्रसाद शब्द इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, बोले प्रसाद प्रत्यक्ष। प्रसाद का अर्थ है प्र का अर्थ है प्रत्यक्ष साक्षात भगवान का दर्शन मतलब प्रसाद, हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं इस्कॉन हड़प सर की ओर से। साथ ही साथ जितने भी मान्यवर उपस्थित हैं मैं सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रसाद तो हम पा ही लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रसाद अन्नदान कर ही देते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रसाद वेस्ट होना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ जितना लगे उतना ही प्रसाद लीजिए और अन्यथा प्रसाद को वेस्ट न करें। अधिक प्रसाद लेकर आप प्रसाद छोड़े ना, प्रसाद को ग्रहण करिए, भगवान का विशेष प्रसाद है। आज गीता महोत्सव हम लोग इस भागवत कथा के अंतर्गत मना रहे हैं, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक गीता को आप ग्रहण कीजिए और अन्य लोगों को आप गीता गिफ्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ भागवत कथा चल रही है तो आप भागवत का पूरा सेट